फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। स्वागत है आपका हमारे चैनल फर्स्ट बाइट पे, मैं हूं तनु शर्मा। लंबे समय से चला आ रहा किसानों का आंदोलन अब एक बार फिर से बातचीत के बंद दरवाजे तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि कानूनों में कोई कमी हो तो उसे ठीक किया जाएगा, कोई ढिलाई हो तो उसे कसा जाएगा। किसान आंदोलन अब खत्म कर दे और अपने घरों को लौट जाएं। पीएम की इस अपील का असर देखने में आया है। भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यदि पीएम मोदी बातचीत करना चाहते हैं, हमारा मोर्चा और कमेटी बातचीत करने के लिए तैयार है, हमारे पंच भी वही हैं और हमारा मंच भी वही है। एमएसपी पर कानून बने ये किसानों के लिए फायदेमंद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दे रहे हैं। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि किसान आंदोलन पर राजनीति हावी हो रही है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां और अधिक आधुनिक बनेंगी। एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा, इसलिए किसान आंदोलन खत्म कर दें। वहां बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, सभी अपने घर जाएं। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील पर बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने भी सकारात्मक रुख दिया है। टिकैत ने कहा कि अगर पीएम मोदी बातचीत करना चाहते हैं तो हमारा मोर्चा और कमेटी बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन देश में भूख पर व्यापार नहीं होगा। अनाज की कीमत भूख पर तय नहीं होगी, भूख पर व्यापार करने वालों को देश से बाहर निकाला जाएगा। देश में आज पानी से सस्ता दूध बिक रहा है, किसानों की दूध पर लागत ज्यादा आ रही है लेकिन उसको दाम कम मिल रहा है, दूध का रेट भी फिक्स होना चाहिए। राकेश टिकैत का यह भी कहना है कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने मोदी जनता से गैस पर सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी, उसी तरह अब उन्हें सांसदों और विधायकों से पेंशन न लेने की अपील करनी चाहिए। अगर सांसद और विधायक पेंशन छोड़ देंगे तो किसान भारतीय यूनियन उनका धन्यवाद करेगा। बता दें कि कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए किसान आंदोलनरत है। दिल्ली की सीमाओं पर उनका आंदोलन 2 माह से ज्यादा समय से चल रहा है। इस दौरान सरकार की तरफ से किसान नेताओं से कई दौर की वार्ता हुई। सरकार ने 1.5 साल तक कानून के लागू करने पर रोक लगाने की बात भी कही, लेकिन किसान कानून रद्द करने की जिद पर अड़े हैं। किसानों के इस रुख के बाद सरकार ने साफ कर दिया है कि इससे ज्यादा वे किसानों के लिए कुछ और नहीं कर सकती। साथ ही वार्ताओं के दौर पर भी विराम लगाते हुए एक तरह से बातचीत के रास्ते बंद कर दिए थे, लेकिन प्रधानमंत्री की अपील और राकेश टिकैत के सकारात्मक रुख से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब जल्द ही किसानों व सरकार के बीच बातचीत के दौर पर जमी बर्फ पिघलने जा रही है। बता दें कि 26 जनवरी की दिल्ली हिंसा के बाद एक बारगी लगा था कि अब आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन अंतिम समय में पासा पलटा और आंदोलन ने नया रूप ले लिया। 6 फरवरी को किसानों ने देश भर में चक्का जाम की घोषणा की थी। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ।